सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु Shantihi, Shantihi, Shantihi. अत सप्तम कला प्रारंभ आत्मा के विशेषण इंद्र विजय छंद आत्मा विशेषण है जो दुभांति विधेय निषेध्य कहो निर्धारे वे सब जान भले गुरु शास्त्र सु सो अपनो निज रूप निहारे सचिदानंद रु ब्रह्म स्वयं पर काश कुटस्थरु साक्षी विचारे द्रष्टरि उपद्रष्टरु एक ही आदि विधेय विशेषण धारे अंत विहीन अखंड असंगरु अद्वय जन्म बिना अविकारे चार अकार बिना अव्यक्त नमानन को विषयो जो निकारे कर्म करी ही बढ़े न घटे इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे अक्षर नाश बिना कहिए इस आदि निषेध्य पितंबर सारे आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं आत्मा के विशेषण विधेय अर्थात साक्षात बोधक और निषेध्य अर्थात प्रपंच के निषेध द्वारा बोधक इस भेद से दो प्रकार के होते प्रश्न आत्मा के विधेय विशेषण कौन से हैं सचित आनंद ब्रह्म स्वयं प्रकाश कुटस्थ साक्षी दृष्टा उपद्रष्टा एक इत्यादि हैं विधेय और निषेध्य लक्षण Videya matlab the attributes which they are there and positively we can say directly that this is it. Aur nishedya kehte hain usko jisme hum nakaratmak varnan karte hain. Jaise kisi ko hum ye kahein, kisi stri ko koi ye kahe ki ye sadhva hai, to matlab vidva nahi hai. ये सदवा है अगर हम कहें ये सदवा नहीं है निषेधात्मक कोई कहे डायरेक्टली बोल दे अगर कोई कि जैसे व्यक्ति को पहचानना हो और कोई कहे कि जिसका रंग काला है जो 6 फुट का है जिसके मूछे है जिसके सिर में बाल नहीं है वो वर्मा है और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिसके दाढ़ी नहीं है वो वर्मा है तो दाढ़ी नहीं है तो मतलब मूंछ है विधेय हुआ 6 फुट का है निषेध हुआ कद छोटा नहीं है गोरा है विधेय है काला नहीं है निषेध हो जाता तो जो बोध कराए हमें आत्मा के विशेषण विशेषण माने विशेष गुण उन्हें हम
वह लक्षण कहते हैं जो साक्षात बोध कराए विधेय और जो साक्षात बोध नहीं करा रहे हैं पर इशारा उसी की ओर करते हैं उसे हम कहते निषेध। निषेध और विधेय दो। आत्मसत कैसे है? जिसकी ज्ञान से या किसी से भी निवृत्ति नहीं होती वह सत है। आत्मा की ज्ञान से अथवा और किसी से भी निवृत्ति नहीं होती अतः आत्मा सत है। जिसकी ज्ञान से और किसी से भी निवृत्ति ना होए वो सत। सांप तब तक है जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं, ज्ञान हुआ रस्सी का तो सर्प नहीं। तो अब ऐसा कौन सा ज्ञान होए कि सत का अभाव हो जाएगा? ऐसा तो कोई ज्ञान ही नहीं। और किसी से भी निवृत्ति ना होवे, विद वन वे और अनदर, अगर किसी अन्य प्रकार से, जैसे मटका है, बच्चा कहता है मिट्टी कहाँ है, और समझाने के लिए एक ने घड़े को तोड़ दिया, चूरा चूरा कर दिया और कहते ये रही मिट्टी। अब क्या चीज की निवृत्ति हम करें, माने दे मार दें तो आत्मा निवृत्त हो जाएगा? किसी तरीके से मन भी मार दें तो क्या उससे आत्मा निवृत्त हो जाएगा? कुछ भी करके उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। कोई भी ज्ञान कर लो तो भी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा सत है। आमतौर पर सत को बोलने वाले समय के साथ जोड़ के कहते हैं कि जो तीन काल में हुए वो सत। बिल्कुल बचकानी बात है। जब काल ही कल्पना है, जब काल ही मिथ्या है, तो मिथ्या से हम सत्य को कैसे समझेंगे? सत है, आत्मा ही सत्य है। किसी के भी ज्ञान से सत की निवृत्ति नहीं होगी और जो कभी अन हुआ ना हो सके, मैंने आज है और कल नहीं है, जिसकी ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, उसे हम सत कहते हैं। प्रश्न, आत्मा चित्त कैसे है? अलुप्त प्रकाश चित्त है, क्योंकि आत्मा अलुप्त प्रकाश है अतः आत्मा चित्त है। समझ लगी? लुप्त माने गायब हो जाना, अलुप्त माने गायब ना होना। इस समय दिन की रोशनी है, रात को लुप्त हो जाएगी। रात को चांद की रोशनी दिन में लुप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की रोशनी है, लाइट चली जाए तो लुप्त हो जाएगी। बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश, वो भी सुषुप्ति में बुद्धि गई तो ज्ञान लुप्त हो जाता। वो फिर चाहे ब्रह्म ज्ञान होए तो चाहे संसार का ज्ञान होए, बुद्धि एक दफे गई सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं बचता है। तो जो लुप्त तो हो जाए वह चैतन्य नहीं है, जो कभी लुप्त ना हो वही चैतन्य। आत्मा कभी लुप्त नहीं हो सकती है, इसीलिए चैतन्य।
आप समझ लगे? इतना खरा सटीक वैज्ञानिक परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। चैतन्य हूं क्योंकि जानता हूं। अब यहीं आके बहुत लोग फंस जाते हैं, बुद्धि के जानने को चैतन्य का जानना मानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा भेद। तो जो कभी लुप्त ना होए, प्रकाश अर्थात जानना भी प्रकाश है, बाहर की रोशनी भी प्रकाश है, इसलिए अलुप्त प्रकाश कह रहे। चित्त अलुप्त, चित्त माने चैतन्य, यहां चित्त का अर्थ चैतन्य। अंतःकरण वाला चित्त जो है वो ये चित्त नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रश्न, आत्मा आनंद कैसे है? उत्तर, परम अर्थात सबसे अधिक प्रीति का विषय आनंद है, क्योंकि आत्मा में सबकी परम प्रीति है, अतः आत्मा आनंद है। क्या लगता है, लोगों की आत्मा में प्रीति है? आत्मा का तो पता ही नहीं है, तो प्रीति कहां से होगी? पर ये तो कह रहे हैं सबकी आत्मा में प्रीति। विचार का विषय है, गलत तो वो कह नहीं सकते। सही कैसे, वो भी आपकी बुद्धि पकड़ ही नहीं पा रही, तो कैसे? पंडित पीताम्बर जी कह रहे हैं क्योंकि आत्मा में सबकी प्रीति ही नहीं, परमो प्रीति है, अतः आत्मा आनंद है। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। आत्मा का तो पता ही नहीं है, तो प्रीति तो परम प्रीति कहां से होएगी? तो आनंदमय कोश में पूर्व के पुण्य फल से जब वृत्ति स्थिर होती है, जब मनचाही वस्तु मिलती है, और इसी स्थिर हुई वृत्ति में जिसका प्रतिबिंब पड़ता है और मनुष्य को सुख लगता है, वो प्रतिबिंब किसका है? तो जिसके प्रतिबिंब से सुख हुआ तो वो खुद कौन हुआ? खुद सुख स्वरूप है, तभी तो प्रतिबिंब सुख का होगा। भाई मुंह गोल है तो शीशे में भी गोली दिखेगा कि चौड़ा हो जाएगा मुंह? पुण्य फल से जब वृत्ति टिकती है तो सुख का आभास होता है, तो यह सुख का प्रतिबिंब किसका है? मैं हूं या नहीं? मैं हूं या नहीं? तुम हो या नहीं? चलो ऐसे कर लो, तुम्हें लगे ही अपनी मैं को मैं कह रहे। तुम हो या नहीं? तुम कब कब होते हो? जानते हो ये बात या नहीं जानते हो? जड़ हो कि चैतन्य हो? दुख रूप हो कि आनंद? जो मैं दुख रूप होता तो टिकी हुई वृत्ति में मेरा प्रतिबिंब दुख का होता, तो मुझे दुख की अनुभूति हो रही होती। पर ऐसा तो होता नहीं है। देखिए, जैसे पुण्य का फल से सुख हुआ, ऐसे पाप के फल से दुख होएगा। दुख होएगा तो वृत्ति हिलेगी, तो वृत्ति हिलेगी तो मन में आता सुख चला जाएगा। तो दुख बाहर से आया कि मेरे वृत्ति के हिल जाने से आया? क्योंकि मैं अपना आप का ज्ञान नहीं रख रहा हूं, आप ही आपको भूल गया हूं। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि अपना आप ही भूल गए, बाकी सारे दुख तो छोटे मोटे। दुख कब हुआ? जब मनोवृत्ति हिली।
चिंता में हिल जाए, एंजाइटी में हिल जाए, कल का होगा ये सोच के, जो मुझे घर वाले ना छोड़ दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरा सेहत ना खराब हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मेरे ये ना हो जाए, मेरे वो, ये जो भी सोच होगी मन को हिला देगी, और मन हिलेगा तो दुख की अनुभूति होगी। तो दुख की अनुभूति क्यों हुई? क्योंकि आनंद स्वरूप का जो आभास आना चाहिए वो कैसे आएगा जब मन की वृत्ति हिल जाएगी? तो जिसके प्रतिबिंब से सुख होते हैं वह सुख स्वरूप तो मैं हूं। मैं ये अगर जानू तो मैं मेरे में ही आनंदित हूं, जो मैं ये ना जानू तो सुखी कभी नहीं। दुखी गरीब भी है, दुखी अमीर भी है, पढ़ा लिखा अनपढ़, रोगी डॉक्टर, नेता चेला, सब भी दुखी। पर अपना आप आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप ही अगर मैं हूं, या वेदांतिक शब्द ले लें, आत्मा आनंद स्वरूप है, तो सब क्या चाह रहे हैं? और आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, तो हम क्या ये कह नहीं सकते कि सबको आत्मा में ही प्रीति है? तो कहां गलत कहा उन्होंने? तो अनजाने में सब आत्मा से ही प्यार कर रहे हैं। लेट्स सी, पति पत्नी डार्लिंग डार्लिंग करते थकते नहीं, डार्लिंग 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 करते 10 साल निकल गए, फिर हुई समस्याएं इधर उधर की वजह से शुरू, जब होती है शुरू तो वही डार्लिंग चुड़ैल लगती है, ये चली क्यों नहीं जाती, ये मर क्यों नहीं जाती, ये मायके क्यों नहीं चली जाती, कोर्ट कचहरी झगड़ा झांसा मार पीट सब हो रही, पत्नी सुख दे रही थी अब क्यों नहीं?